हेलो, वंस अगेन वेलकम। आज हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट को जानेंगे जिसको बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो बॉन्डिंग के नाम तो हम लोग सुने हैं, बट आज पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग एक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और कुछ कुछ मॉलिक्यूल में हम लोग इस बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिससे मॉलिक्यूल की जो बिहेवियर्स है, प्रॉपर्टीज है, वो कॉम्प्लीटली चेंजेस हो जाते हैं। तो बैक बॉन्डिंग क्या है, चलो समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, एक मॉलिक्यूल को चूज किया, लाइक BF3, बोरॉन फ्लोराइड। BF3 का जो स्ट्रक्चर है, अगर BF3 का तुम स्ट्रक्चर देखोगे, जहाँ पे एक बोरॉन है, तीनों तरफ तीनों फ्लोरीन है और माझखने बोरॉन है। तो ये जो मिडिल में जो बोरॉन है और चारों तरफ जो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। फ्लोरीन क्या करेगा, बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो क्योंकि मैं इलेक्ट्रो नेगेटिव हूँ। तो जब बोरॉन है मेटल में, चारों तरफ से फ्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो खींचते खींचते क्या हो रहा है, जो सारों सारे फ्लोरीन है, ए इलेक्ट्रॉन रिच बन गया, मतलब नेगेटिव बन गया। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिच। और मिडिल का जो बोरॉन है, बोरॉन ऐसे ही, बोरॉन के पास वैकेंट पी होता है, हमें पता है ना, बोरॉन के पास ऐसे ही वैकेंट पी होता है। तो ये क्या है, वैकेंट पी। और बोरॉन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो अभी जब फ्लूरीन के पास इतना इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फ्लूरीन अब इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या करे, फ्लूरीन तीनों फ्लूरीन इलेक्ट्रॉन तो खींच तो लिया, बट फ्लोरीन के पास कोई ऑर्बिटल नहीं है जहां वो इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो फ्लोरीन पड़ गया दुविधा में, जो अभी क्या करे। तब फ्लोरीन डिसाइड किया, जो चलो मैं काम करता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन खींच लिया बोरॉन से, अभी मैं वापस कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन बोरॉन को। तो तब वो क्या करेगा, वापस कर देता है इलेक्ट्रॉन बोरॉन को। और जब इलेक्ट्रॉन वापस कर देता है ना, तब क्या होता है, हमारा बैक बॉन्डिंग जनरेट होता है। जहां पे क्या हुआ, फ्लूरीन जब अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो फ्लूरीन हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। मतलब पहले फ्लूरीन का इलेक्ट्रॉन की जरूरत था, जरूरत होने के कारण से पहले इलेक्ट्रॉन मांगना, बट जब वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब वो सोच रहा है मैं इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करूं, वापस बोरॉन को दे दिया। और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस, पहले एक्सेप्ट करना उसके बाद डोनेट करना, इसको ही हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। मतलब पहले वो क्या किया, पहले वो अपना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह खींचा, वो क्या खींचा, सिग्मा बॉन्ड को खींचा। देखो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है बोरॉन को खींचा, जब वो रख नहीं पाया, वो क्या किया, पाई बॉन्ड को डोनेट कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग। मतलब जो बैक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बैक किया जा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन बैक किया जा रहा है, पाई के फॉर्म में, तो इसको हम लोग पाई बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। और इस पाई बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, बोरॉन की जो पी पाई है, बोरॉन की जो वैकेंट ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, और फ्लूरिन की पी पाई के अंदर इस बैक बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए हम लोग इसका नाम देंगे पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक फ्लूरीन को दिखाया, यहाँ पे सारे फ्लूरीन ही ऐसे बैक बॉन्डिंग करता है। ठीक है, सारे के सारे फ्लूरीन ही ऐसे बैक बॉन्डिंग करता है, ऐसे नहीं जो पर्टिकुलर एक ही फ्लूरीन कर रहा है, सारे फ्लूरीन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, जो बैक बॉन्डिंग है, पहले इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा अपनी तरह, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, वो क्या करेगा, वापस इलेक्ट्रॉन को वापस कर देगा। ठीक है, और वापस जब कर देगा, तो उसको वहां पे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड की जनरेट होगा, तो उसको हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। और यहाँ पे फ्लूरीन का भी पी ऑर्बिटल और बोरॉन का भी पी ऑर्बिटल, तो पी पाई बैक बॉन्डिंग। बट सपोज यहाँ पे मैं BF3 के ऊपर किया, सपोज मैंने BCl3 के ऊपर कर रहा हूँ, सिमिलियर जो एक्सपेरिमेंट है, मैं BCl3 के ऊपर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्लोरीन, तीनों क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन जाएगा, तो क्या करेगा, बोलेगा मेरा इतना इलेक्ट्रॉन लेकर मैं क्या करूं, मैं वापस दूंगा। पहले उस सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचा, बट उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में डोनेट कर देगा,
और जब डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन प्लस, बोरॉन नेगेटिव, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, सारे क्लोरीन ही कर सकता है, ठीक है। मैं एक दिखा रहा हूं, सारे की सारे ही कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, वापस बैकबर्न नहीं हुआ। अभी देखो पिछले केस में फ्लूरीन हो रहा था, तो फ्लूरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बहुत अच्छे से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसको खींच पा रहा था, बट क्लोरीन के केस में इतने अच्छे से खींचेगा नहीं, क्योंकि क्लोरीन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं। और उसके साथ देखो क्लोरीन, क्लोरीन थोड़ा बड़ा होता है, हम लोगों को पता है फ्लोरीन से। तो क्लोरीन का क्या होता है ना, डी पाई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, डी पाई, क्योंकि क्लोरीन के जो डी ऑर्बिटल है वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जैसे फ्लोरीन के पास क्या होता है, पी ऑर्बिटल, इसलिए पी ऑर्बिटल में खींचता है, बट क्लोरीन क्या करते हैं अपना डी ऑर्बिटल में लेते हैं, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी होता है। क्लोरीन के पास क्या होता है, वैकेंट डी, और बोरॉन के पास होता है वैकेंट पी। तो यहां पे हो रहा है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। तो अब मुझे बताओ BF3 में भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, BCl3 में भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो कौन सा बैक बॉन्डिंग अच्छा होगा? वहां पे क्या हो रहा था, पी पाई बैक बॉन्डिंग। अभी देखो हम लोग जो MOT कॉन्सेप्ट या ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है वहां पे हम लोग जानते हैं जो एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहां पे क्या होता है, सेम ऑर्बिटल या सेम साइज में ओवरलैप अच्छे से होता है। तो जब यहां पे बात है पी पाई जब सेम ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है एक पी ऑर्बिटल के साथ एक पी ऑर्बिटल, और यहां पे क्या हो रहा है, एक डी ऑर्बिटल के साथ एक पी ऑर्बिटल, तो ये अच्छे से नहीं होगा। तो अच्छा बैकबॉन्डिंग कहां पे होगा, पी पाई में। तो हमेशा याद रखना है जो पी पाई बैकबॉन्डिंग होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है डी पाई पाई बैकबॉन्डिंग से, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, बैकबॉन्डिंग ऑर्डर, क्योंकि पी पाई क्या होता है, सिमिलर ओवरलैप, सेम ऑर्बिटल ओवरलैप। तो सेम ऑर्बिटल का जो ओवरलैप होता है वो ऑलवेज क्या होता है, वो बेटर ओवरलैप होता है, ठीक है। बट पी पाई डी पाई में क्या हो रहा है, ऑर्बिटल मिसमैच हो रहा है, क्योंकि यहां पे डिफरेंट ऑर्बिटल मिसमैच हो रहा है। तो इसी कारण से हम लोग यहां पे पी पाई ऑर्बिटल ओवरलैप को अच्छे से प्रायोरिटी देंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, बैकबॉन्डिंग कॉन्सेप्ट को देखा, और बैकबॉन्डिंग सब में सेम सिमिलर रेट में नहीं होगा, जहां पे सेम ऑर्बिटल में होगा तो वहां पे बैकबॉन्डिंग अच्छे से देखा जाएगा, बट जब ऑर्बिटल मिसमैच होगा, जैसे BCl3 में ऑर्बिटल मिसमैच हो रहा है, तो वहां पे बैकबॉन्डिंग उतने अच्छे से नहीं होगा। तो अगर मैं सारे बोरॉन हैलाइड का देखूंगा, ठीक है, सारे बोरॉन हैलाइड का, सपोज एक BF3 है, एक है BCl3, BBr3 और एक है Bi3। तो देख सकते हो जो आयोडीन है, आयोडीन तो बहुत ही बड़ा हो गया, आयोडीन इज अ बिग इन साइज। तो आयोडीन के साथ बोरॉन का जो बैकबॉन्डिंग हो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जितना देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जितना तुम जा रहे हो हेलोजन में डाउन द ग्रुप, तो साइज क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और साइज इतना ज्यादा इंक्रीज होने के कारण से जो बैकबॉन्डिंग की जो फैक्टर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। तो अगर मैं बताऊंगा सबसे अच्छा जो बैकबॉन्डिंग करेगा, सबसे अच्छा बैकबॉन्डिंग ऑर्डर, अगर मैं यहां पे लिखूंगा बैकबॉन्डिंग ऑर्डर, तो बैकबॉन्डिंग जो ऑर्डर होगा वो सबसे अच्छा कहां पे होगा, BF3 देन BCl3 देन BBr3 देन Bi3, क्योंकि BF3 में क्या होगा, पी पाई बैकबॉन्डिंग होगा, बाकी सब में पी पाई डी पाई होगा, बट जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जब जा रहे हो डी ऑर्बिटल की साइज और भी बड़ा हो रहा है, मतलब 3D 4D 5D और भी बड़ा हो रहा है, और इतना बड़ा साइज होने के कारण से जो जैसे यहाँ पे 3D हो रहा है, यहाँ पे
मतलब ग्रेजुअली देखो ऑर्बिटल साइज इंक्रीज हो रहा है, और इस ग्रेजुअली साइज इंक्रीज करने के कारण से जो तुम्हारा बैक बॉन्डिंग फैक्टर है वो डिक्रीज होगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आरिस होता है, जो बैक बॉन्डिंग से असर क्या होगा। देखो बैक बॉन्डिंग का बहुत सारे असर होता है, जैसे अगर मैं एक बी एफ बॉन्ड लेंथ को देखूंगा, ठीक है, जो बी एफ का बी एफ थ्री में, देखो बी एफ थ्री का जो बी एफ बॉन्ड लेंथ है, तो अभी हम लोग जब देख रहे हो रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस करने के कारण से जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रहा है, शॉर्टर हो रहा है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे शॉर्टर हो रहा है, मतलब जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होना चाहिए उससे क्या होगा, हम लोग देखेंगे जो बी एफ थ्री में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो शॉर्टर होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा बी एफ थ्री, बी सी एल थ्री, बी बी आर थ्री और बी आई थ्री, तो जो बी एक्स बॉन्ड लेंथ है, एक्स मतलब फ्लूरिन कोइड, बी एक्स बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किसका है। अभी देखो जो बी एफ थ्री है ये तो तुम्हारा डबल बॉन्ड हो रहा है ना, क्योंकि बैक बॉन्डिंग करने के कारण से डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसको मिल रहा है, तो बी एफ बॉन्ड लेंथ जो है सबसे शॉर्टर हो जाएगा। और बोरॉन के साथ आयोडीन, इसका बिल्कुल बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो डबल बॉन्ड नहीं होगा, और डबल बॉन्ड नहीं होगा तो सिंगल बॉन्ड में रहेगा, और सिंगल बॉन्ड हमेशा लॉन्गर होता है, तो बी एक्स बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगा तुम्हारा बी आई थ्री के केस में, मतलब बी आई जो बॉन्ड है। उसके बाद तुम्हारा बी बी आर थ्री, देन तुम्हारा बी सी एल थ्री, और लास्ट में तुम्हारा बी एफ थ्री। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऐसे रहेगा, मैक्सिमम होगा बी आई थ्री में, देन बी बी आर थ्री, देन बी सी एल थ्री, देन बी एफ थ्री। इस ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, बी आई थ्री मैक्सिमम, देन बी बी आर थ्री, देन बी सी एल थ्री, देन बी एफ थ्री। इनफैक्ट तुम यहां से लुईस एसिडिटी फैक्टर को भी बता सकते हो, जैसे बॉन्ड लेंथ का बताया, अभी लुईस एसिडिटी फैक्टर को बता सकते हो कैसे। अच्छा यहाँ पे मैंने चार्ज को उल्टा लिख दिया, माफ करना, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बोरॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, बोरॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज होगा, और फ्लोरीन डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया। अच्छा तो ये मेरा इस कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, जो बी आई थ्री का क्यू ज्यादा लॉन्गर है क्योंकि उसका बैक बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है, बट बी एफ थ्री में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, शॉर्टर हो रहा है। या अगर यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है, लुईस एसिडिटी ऑर्डर, लुईस एसिडिटी ऑर्डर, अच्छा लुईस एसिडिटी क्या बोलते हैं, अगर तुम लोन पेयर को, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ठीक है, उसको तुम एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो तो तुम क्या बनोगे, एसिड। और लोन पेयर को डोनेट करते हो, लोन पेयर डोनेट, देन तुम क्या बनते हो, बेस। अगर एक्सेप्ट करोगे तुम एसिड, अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करोगे तब तुम बेस। तो यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर पूछा गया है, तो एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अभी तुम देखो जो तुम्हारा सारे हैं बी एफ थ्री, बी सी एल थ्री, अभी मुझे बताओ बी एफ थ्री और बी सी एल थ्री में अच्छा बैक बॉन्डिंग कौन करेगा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं पहले। चलो मैं सब कुछ लिख देता हूं, तुम्हें विजुअलाइज करने में हेल्प होगा, सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग कहां पे हो रहा है, तब तुम बोलोगे बी एफ थ्री। ये तो 10 बार बोल चुके अब, अभी तक मैंने बोला हाँ बोल चुका हूं। तो अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो बोरॉन के जो वैकेंट पी है, सबके पास तो वैकेंट पी है ना, तो जो वैकेंट पी है वो क्या हो गया, अगर बैक बॉन्डिंग करेगा तो वैकेंट पी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सही ना, और इससे क्या होगा, जो वैकेंट पी है ये तो फुलफिल्ड हो जाएगा। अगर बैक बॉन्डिंग करेगा तो बैक बॉन्डिंग करने के टाइम जब वो फ्लूरिन इलेक्ट्रॉन वापस देगा तो बोरॉन की जो वैकेंट पी है वहां पे इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा, तो ए तो और वैकेंट नहीं रहेगा ना, तब तो फुलफिल्ड हो जाएगा, तब तो फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो वैकेंट था पहले, बट बैक बॉन्डिंग करने के टाइम वो तो इन्वॉल्वमेंट हो चुका है ना। बट बी बी सी एल थ्री, बी बी आर थ्री और बी आई थ्री,
यहाँ पे BCLT थोड़ा कुछ हद तक बैकबॉन्डिंग करेगा, BBRT बहुत ही स्लाइड करेगा और BI3 तो बिल्कुल बैकबॉन्डिंग नहीं करेगा क्योंकि वहां पे साइज इतना मिसमैच है, IOTIN इतना बड़ा, बोरॉन इतना छोटा, तो इतना मिसमैच होने के कारण से वो बैकबॉन्डिंग नहीं कर रहा है। तो बोरॉन की जो वैकेंट पी है वो अभी भी वैकेंट है, वो अभी भी वैकेंट ही है क्योंकि वो तो किसी के साथ बॉन्डिंग ही नहीं किया, बैकबॉन्डिंग नहीं किया। तो अगर बैकबॉन्डिंग नहीं किया तो जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर को बहुत ही आसानी से उसकी जो वैकेंट पी है जो अभी भी अवेलेबल है वहां पे एक्सेप्ट कर सकता है, बट बाकी तो BF3 तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। BBR3 चलो कुछ हद तक कर सकता है, BCL3 थोड़ा करेगा और BF3 बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि BF3 तो कंप्लीटली बैकबॉन्डिंग में चला गया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो लुईस एसिडिटी ऑर्डर है तो सबसे ज्यादा एसिडिटी या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो BI3 का है, देन क्या होगा, देन होगा BBR3 का, देन क्या होगा, देन होगा BCL3 का, और देन क्या होगा, देन होगा BF3 का। तो ए मेरा हो जाएगा लुईस एसिडिटी ऑर्डर, समझ आए बात। सबसे अच्छा BI3 का, देन BBR3, देन BCL3, देन BF3। BBI3 का क्यों इतना ज्यादा, क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल अभी वैकेंट है और उस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को इजिली कैप्चर कर सकता है, अभी ले सकता है, बट BF3 वो करने में अक्षम है क्योंकि BF3 क्या किया है, वो बैकबॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया तो उसके पास कोई भी वैकेंट पी ऑर्बिटल अभी नहीं है। तो देख सकते हो तुम्हारा बैकबॉन्डिंग की कॉन्सेप्ट से लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैकबॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं तुम सबको समझ आ गया। ओके, थैंक यू सो मच।